बंद कर अच्छे से। यहाँ पे ना स्क्रैच लग गई है, ये हो सकता है ठीक? वॉशिंग होने के बाद टचिंग हो जाएगी। हो जाएगी मतलब वाइट हो जाएगा ना? ठीक है, छोटे से डब्बे में कलर डाल के। अच्छा अच्छा, ऐसे करेंगे तो अपनी गाड़ी तो गई ठीक होने के लिए, वॉशिंग के लिए। फिलहाल चलते हैं। अरे इतने हल्के हैं, इतने हल्के दरवाजे। अपने को इनोवा की आदत होगी ना। हटी में बैठ के देखते हैं, बैठ के देखिए कितना स्पेस है। कम है? अरे हाँ यार बहुत कम है। ये ब्रेजा की कॉपी है पीयूसी। चलो फॉर्च्यूनर देखते हैं। ये है गाड़ी न्यू फॉर्च्यूनर लेजेंडर ड्यूल टोन, ऊपर पूरा ब्लैक है। सबसे महंगी फॉर्च्यूनर है ये पीयूसी, 10 मिलियन पे पक्का। फ्रंट लुक देख, और ये लाइट्स इसकी नॉर्मल फॉर्च्यूनर वाली नहीं है, लाइट्स इसकी मस्त वाली है। वो शरीफ लग रही है, वो बदमाश है। वो शरीफ लग रही है, वो बदमाश है, लेकिन अपन तो शरीफ लोग हैं इसलिए अपने पास वो है। 10 मिलियन पे अपन भी बदमाश हो जाएंगे। उनको बोल के इनोवा वापस लेके लेजेंडर दे सकते हो। अभी हमने इनोवा ली थी तो अभी हमको लेजेंडर पसंद आ गई, तो इनोवा दे के लेजेंडर ले सकते हैं कुछ पैसे दे के। वो कितने? तो गाड़ी की वैल्यू लगेगी ना। कितना टाइम लगेगा इसको अगर मैं ऑर्डर करूँ तो? मिनिमम 4 से 5 महीने। फॉर्च्यूनर की अगर हम बुकिंग करेंगे तो 4-5 महीने की वेटिंग है, तो हमारे 10 मिलियन हो जाएंगे 2 साल में। इस साल तो नहीं होते, तो उसके बाद फिर हमको हमारे जब 9 मिलियन होंगे तब हम बुकिंग कराएंगे। इनोवा हमको मिली थी 3 महीने की वेटिंग के बाद। तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी को देख भी सकते हैं सर्विस होते हुए, बीच में शीशा लगा हुआ है। ये रही अपनी गाड़ी, लास्ट टाइम जब हम आए थे तब जिया जी के साथ खेला था हमने। तुम खेल खुद ही चला रहे होंगे? हाँ खुद ही चला रहे होंगे एक दिन। तो टेस्ट ड्राइव के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया है। यार हम भी तो यार यूट्यूबर हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना यार। इसकी टेस्ट राइड की परमिशन मिल चुकी है, अब मुझे भी थोड़ी वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है। फिलहाल तो टोयोटा वालों की चाय पी रहे हैं, तो भी चलाने से पहले मुझे धक 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 हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी चलाएगी ना। तो फाइनली हमको चाबी मिली है इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए, और लेते टेस्ट ड्राइव, देखते कैसे चलती है ये, फिर निकलवाते 10 मिलियन पे। सोनू भैया की वजह, सोनू भैया ने पूछा उनसे, हम तो नहीं पूछ रहे थे। बाकी ये बिल्कुल बेस्ट मॉडल है, टॉप मॉडल है। दिखाई चाबी दिखाई कैसी है? और वॉच की तो चाबी भी प्रीमियम है, ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई ये। इसके डोर भी हैवी हैं, इनोवा की तरह हैं। तो गाइस मेरा तो हो चुका है पोपट, मेरे से चल रही है क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, ये ऑटोमेटिक में ही आती है लेजेंडर। मैंने जैसे स्टार्ट की नहीं है तो मेरे से चल ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे को मैनुअल की आदत है ना, तो मेरा तो पोपट हो चुका है, मुझसे फॉर्च्यूनर चली नहीं फिलहाल। बट जब मैं लूँगा ना तब खुद ही लेके तब सीखेंगे, अभी मैंने रिस्क नहीं लिया चलाने का, तो सोनू भैया ही चला रहे हैं। बाकी कैसा लगा सोनू भैया? भाई बहुत मज़ा आया, लेकिन जो फीलिंग इनोवा में आती है अंदर बैठ के वो नहीं आ रही थी। इनोवा में कैसी आती है? कंफर्टेबल? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल। इसमें कंफर्टेबल नहीं लगी? नहीं लग रही थी क्योंकि वगैरह सब भाई ऊंची है ना, कंफर्ट कम है इसके अंदर। तो गाड़ी एकदम क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल मस्त, बस बारिश ना आ जाए दोबारा से। चमक रही है अब देखो, डोर वगैरह सब कुछ। अरे ओरियो के बाल भी नहीं है यहाँ, तो इन्होंने ये भी डाल दिया ड्राइव से।